नमस्कार, वनली न्यूज नेशन के खबरों के विश्लेषण में मैं एम के मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सीए था मोहरा, राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के संग रची थी साजिश, सबसे बड़ा खुलासा आपने आज की खबरों में, आज के न्यूज़पेपर में, हर जगह इस खबर को आपने पढ़ा होगा। और सीए का जो दंगा हुआ था उसके खिलाफ जो नेता शामिल थे उनके नाम जब आपने देखे होंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आज आपको इस खबरों के विश्लेषण में मिलेगा भारतीय सेना का पराक्रम और मोदी सरकार ने भारतीय सेना के लिए एक बड़ा बदलाव किया है, और बाबरी मस्जिद को लेकर की बड़ी खबर है राम मंदिर को लेकर के, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो किसान बिल को लेकर के हैं। लेकिन शुरुआत करूंगा उस सीए दंगे को लेकर के जिसको सुनियोजित ढंग से कराया गया था और सनसनी केस खुलासा। तो वीडियो को शेयर करिएगा, खबरों का विश्लेषण वनली न्यूज नेशन पर आपको डेली मिलेगा। मैं एमके मिश्रा एक खास प्रोग्राम आपके लिए लेकर आऊंगा और आप सभी से चाहूंगा मेरे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ें और आप इसमें अपनी राय जरूर दें। शुरुआत अब लिए चलता हूं आपको क्या है दिल्ली दंगों में, दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसको लेकर के पूरे दिल्ली को जला दिया गया था। 50 से भी ज्यादा लोगों की वहां मौत हो गई, कई सैकड़ों लोग वहां पर घायल हुए थे, और उस सबके बीच राजनीतिक रोटी जो खेत सेक रहे थे अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी थे। लेकिन जब आज दंगों की साजिश में नाम आए हैं तो उस साजिश में जो लोग शामिल थे उनके नाम सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। वो नाम है, आपको बता दें, वो नाम सबसे बड़ी चीज है, सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद कौन है? राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद के रिश्ते, कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद, जो कि इस दंगों में सीए को लेकर के मोहरा बनाया गया, जेएनयू को मोहरा बनाया गया, जामिया इस्लामिया को मोहरा बनाया गया, मुस्लिम समुदाय को मोहरा बनाया गया, मुसलमानों को भड़काया गया। और ये भड़काया कौन? कांग्रेस ने। ये भड़काया कौन? आम आदमी पार्टी ने। आप बताइए उस दिन जो हुआ था उसकी कहानी थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूं, आज की चार्जशीट में कैसे राहुल गांधी के साथ, उसके बाद आगे चलूंगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसको लेकर के जो आग में झोंकने की जो साजिश रची गई थी उसमें जो नाम आए हों, सलमान खुर्शीद, सीताराम येचुरी, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, और इसमें जो से इसमें नामी नेताओं, वकीलों और साजिश कार्यकर्ताओं के नाम सामने आ रहे थे। गिरफ्तार हुए आरोपित जिनसे नाम लिए गए हैं, सूत्रों के मुताबिक सभी को नोटिस भेजकर इसमें पूछताछ की जाएगी। अब मैं बताऊं, इस मामले में जो दायर आरोप पत्र है उसको जब आप सुनेंगे उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार को सुनियोजित ढंग से यहां पर माहौल बिगाड़ने और दंगों को सुनियोजित ढंग से, जी साहब, दंगों को सुनियोजित ढंग से यहां पर अंजाम दिया गया था। इस काम में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों को मोहरा बनाया गया था, यानी कि इन दंगों के लिए कांग्रेस ने पूरी तरह से राहुल गांधी, क्योंकि मैं बार बार सलमान खुर्शीद का नाम आ रहा है, हम राहुल गांधी को साफ तौर पे साफ टारगेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, राहुल गांधी और कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज को अब एक्सेप्ट कर लें कि दंगों में किस प्रकार से उन्होंने दंगे अपने हाथ को वहां पर सेका था। आपको बता दूं इसमें जो सीए तो बहाना था, असल में दिल्ली जलाना था, ये सबसे बड़ा यहां का वो था कि सीए तो बहाना था, असल में दिल्ली को जलाना था, ट्रंप के सामने पूरे देश की बेइज्जती करनी थी, इंटरनेशनल मीडिया के सामने मोदी के प्रधानमंत्री होते हुए भारत और हिंदुस्तान के पूरे विश्व में बदनामी करनी थी। ये थी साजिश राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की। इन सभी नामों में सबसे बड़ी जो बड़ी आ रही है उसमें एक फिल्म इंडस्ट्री के राहुल राय, यहां से राहुल राय के खिलाफ भी सबसे बड़ी यहां पे आ रही है कि वो भी हैं। इसके अलावा चीन से भी फंडिंग के तार इसमें जुड़े हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक चीजें कैसे आई हैं। इस बीच में आपको दूसरी खबर की तरफ ले चलूंगा इस हमारे खबरों के विश्लेषण में, जिसमें अब सेना का जो आंतरिक ढांचा है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। यानी कि कैसे बदलेगा? अब सीधे तौर पर आपको बता दूं, अभी सीडीएस की नियुक्ति की गई थी जिसका पद जनरल बिपिन रावत ने संभाला था। अब आंतरिक ढांचों के बदलाव में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इसमें सब बता दूं आपको कि इसमें जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं, भारत सीमा तिब्बत पुलिस से आईटीबीपी जिसे कहते हैं और सशक्त सीमा बल जिसे एसएसबी कहते हैं, उसके जवानों के लिए आंतरिक समीक्षा की जो क्या नाम आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो धीरे धीरे हटाने के साथ साथ महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आपको बता दूं कि विभिन्न जो सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया जा रहा है, और इसके तहत मैं आपको बता दूं उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता में हुई इन सल्लों की बैठक के दौरान चर्चा हुई थी। प्रस्ताव के अनुसार गृह मंत्रालय एक नए मॉडल पर काम कर रहा है, इसके तहत देश में चुनाव कराने समेत आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी के मुख्यतः केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे हम CRPF के पास होगी, और 3.25 लाख बलों का जो CRPF देश का आंतरिक सुरक्षा बल है उसे सुरक्षा प्रतिशत जुड़े सूत्रों के अनुसार जो गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव का हवाला देते हुए बताया है कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव के दौरान नया प्रयोग देखने को यहां पर मिल सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही चीन को लेकर के। चीन की कंपनी थी, चीन में जर्मन की कंपनी थी, उन्होंने उस कंपनी ने इस समय चीन से अपना सारा काम समेट करके वो अब भारत आ गई है आगरा में, और उन्होंने आगरा में अपना जूता उत्पादन का काम शुरू कर दिया है। यह सबसे बड़ी खबर आ रही है, और यहाँ पर यह भी खबर है सब जो खबरों के विश्लेषण में कि 31,661 अध्यापकों की भर्ती को हरी झंडी दे दी गई है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हरी झंडी दी गई है, और आपको बता दूं इन सबके बीच सबसे बड़ी जो यहाँ पर खबर आ रही है किसानों को लेकर के, और किसानों को लेकर अब तक जो लोग कह रहे थे तोमर, जो कृषि मंत्री तोमर हैं, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर यहाँ पर सीधे तौर पर ठीकरा फोड़ा है, और उन्हें साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस किसानों को बहका रही है, और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र उन्होंने किया था उससे ही मुकर रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र से मुकर रही है, ये खुद कृषि मंत्री तोमर ने कहा है, और इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर सबसे बड़ा उन्होंने कहा है, उनके बाद कदूर ने कहा संसद में पारित कृषि विधेयक बिलों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन विधेयकों पर किसानों के जीवन श्रम क्रांतिकारी बदलाव लाने का अलग काम है, और तोमर ने राहुल गांधी को कि इन विधेयक में विरोध के लिए अपनी पार्टी 2019 के घोषणा पत्र को यहां पर उन्होंने मुकरने की चुनौती दी है, और तोमर ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार दावे को दोहराए और विधेयक जो विधेयक है उसकी माला हालत सुधारने में मददगार साबित होगी किसानों की, और जो रोल रोको आंदोलन है वो महज ड्रामा है, उसमें कोई किसान नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है। अब इसके बाद बता दूं आपको कि सबसे बड़ी खबर यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जिसमें हम स्पोर्ट्स को भी लेंगे, यहाँ पर खबरों के विश्लेषण में स्पोर्ट्स को लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें और आपको बता दूं कि यहाँ पर पाकिस्तान सेना अब पाकिस्तान के ऊपर, अगर बात करें पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान के खुद अब सेना के खिलाफ लोग मोर्चे खोल रहे हैं, और पाकिस्तानी सेना इस समय वहां पर घिरती नजर आ रही है। पाकिस्तान ने पिछले दिनों प्रमुख वहां के हैं उसके प्रमुख दलों के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक जो है मूवमेंट के नाम से एक जो संयुक्त अभियान का ऐलान किया। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की मुस्लिम लीग यानी PMLN और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जैसे देश के प्रमुख दल शामिल थे। इसमें इस घड़े का मुख्य मकसद था कि इमरान खान सरकार को सत्ता से बेखल करना, ताकि जो सरकार कुछ सत्ता में सेना राजनीतिक सेना में भूमिका है उस प्रभाव को समाप्त किया जा सके। यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर जो पाकिस्तान में सेना का प्रभाव आपको पता है, सेना ही सब कुछ करती है, वो आतंकवादियों के साथ मिलकर करती है, उसको लेकर के वहाँ के प्रमुख विपक्षी दलों ने मीटिंग की है, और यहाँ पर इमरान खान सरकार को गिरा करके वहाँ के सेना का जो वर्चस्व उसको घटाने की बात कही जा रही है। अब इस बीच हम IPL की तरफ बढ़ेंगे, और IPL में कल का मैच जो रहा वो बड़ा दिलचस्प रहा। जिस मैच में शुरुआत में दिलचस्प रहा, लेकिन बाद में इसमें सबका जो सबसे बड़ी नाम उभर के सामने आया वो KL राहुल का था। KL राहुल की धमाकेदार बैटिंग ने जिस प्रकार से कल पूरे मैच में अपना वर्चस्व जमा के रखा, यूं ही और वो भी विकेट के पीछे भी वहाँ कप्तानी करते हुए भी KL राहुल ने काफ़ी कुछ कहा। KL राहुल ने 69 गेंदों में 14 चौके और 7 छक्के लगाकर उन्होंने 132 रन नाबाद बनाए, और अपनी टीम को जहां पूरी टीम ने उनका स्कोर जो खड़ा किया था उस स्कोर में उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। मैं बता दूं पूरे जो किंग इलेवन पंजाब में 206 रन बनाए थे 20 ओवर में, वहीं बता दूं आपको 132 रन अकेले KL राहुल के थे, और KL राहुल ने और इस मैच को, ये मैच जो था वो रॉयल चैलेंजर्स और आपका ये जो मैच था वो इसमें रॉयल चैलेंजर्स और किंग इलेवन पंजाब के बीच में था, और इस मैच में किंग इलेवन पंजाब महज 109 रनों पर यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 109 रनों पर सिमटती हुई नजर आई। तो चलिए इस वीडियो खत्म।